हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर यू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ गूगल एडसेंस की अर्निंग के बारे में। अक्सर लोग पूछते हैं कि उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर उनकी अर्निंग कुछ अलग नज़र आती है, जबकि वो गूगल एडसेंस के ऊपर जाते हैं तो वहाँ वो अलग अर्निंग देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, टोटल अर्निंग शो क्यों नहीं करती है? तो चलिए आज की वीडियो मेरे उसी के ऊपर है, सीख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, ये करंट बैलेंस है। करंट बैलेंस आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ लिख रहा है $29.85। अब टोटल अर्निंग कैसे शो होगी, चलो सीखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आप यहाँ इसको क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉमन रिपोर्ट, इस पर आप क्लिक करिए। कॉमन रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ लिख रहा है हॉटस्टार एडसेंस फॉर कंटेंट, आप यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो 7 days की जो अर्निंग है आपको यहाँ पर टोटल अर्निंग कर देनी है, यानी कि ऑल टाइम पर क्लिक कर देना है। ऑल टाइम पर क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि $118.61 शो हो रहा है, जबकि स्टार्टिंग में कितना हो रहा था $29 और यहां पे हो रहा है $118। तो ये आपकी टोटल अर्निंग है अभी तक की, जितने भी आपने अर्न की है। ठीक है, तो अब आप सीख चुके हैं कि टोटल अर्निंग कैसे आप चेक करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ये क्वेश्चन परेशान करता है कि भाई हमारी अर्निंग पूरी तरह से शो नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग उनको भी शेयर करिए कि ताकि वो लोग सीख सकें और ये टेंशन फ्री हो जाए कि वो कैसे अपनी टोटल अर्निंग देखें। तो आज की वीडियो बस इतना ही, देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।